नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम की। दिल्ली के IARI स्थित यहां पर एवियन सोसाइटी ऑफ सॉयल साइंस की ओर से आज विश्व मृदा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम मिट्टी की यहां पर लवणता को रोकें और मिट्टी की यहां पर उत्पादकता को बढ़ावा देने पर यहां पर किया गया है। IARI दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ पांडे ने विश्व मृदा दिवस मनाने से जुड़े इतिहास और उसके महत्व के बारे में सभा में उपस्थित लोगों को जानकारी दी। साथ ही कार्यक्रम में आए लोगों को यहां मोमेंटो और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सॉयल विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। तो IARI दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ पांडे ने विश्व मृदा दिवस मनाने से जुड़े इतिहास और उसके महत्व के बारे में सभा में मौजूद लोगों को जानकारी दी। साथ ही कार्यक्रम में आए लोगों को मोमेंटो और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सॉयल विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम मिट्टी की यहां पर गुणवत्ता को देखने के लिए, साथ ही साथ आपको बता दें कि लवणता को रोकें और मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देने पर आधारित था। दिल्ली के IARI स्थित यानी एवियन सोसाइटी ऑफ सॉयल साइंस की ओर से विश्व मृदा दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम दिग्गज लोग यहां शामिल हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम दिग्गज बड़े लोग यहां पर शामिल हुए। साथ ही साथ IARI दिल्ली के अध्यक्ष भी यानी डॉक्टर रघुनाथ पांडे ने इस पूरे कार्यक्रम को यहां शुरू किया। साथ ही साथ विश्व मृदा दिवस मनाने से जुड़े इतिहास के बारे में, उसके महत्व के बारे में यहां पर जानकारी दी। तो शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जो लोग आए थे, जो लोग पहुंचे थे, जो मौजूद थे, उन तमाम लोगों को मोमेंटो और शॉल ओढ़ाकर यहां सम्मानित किया गया। सॉयल विभाग के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं मिट्टी को लेकर जागरूक किया गया, मिट्टी की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। मिट्टी विश्लेषकों ने यहां पर तमाम सलाह दिए, जानकारियां दी। डॉक्टर अनिल कुमार यहां पर मौजूद रहे, डॉक्टर अशोक कुमार डायरेक्टर IARI के यहां पर मौजूद रहे, डॉक्टर BS तोमर यहां पर ज्वाइंट डायरेक्टर IARI के वो भी शामिल हुए, डॉक्टर GP यहां पर गोयल अध्यक्ष ग्राम विकास समिति मंडोरा वो भी यहां पर मौजूद थे। तमाम यहां पर ये बड़े अधिकारी डॉक्टर्स यहां पर शामिल हुए और मिट्टी की शक्ति को किस तरह से बढ़ाया जाए इस पर जानकारी यहां पर उन्होंने दी। न सिर्फ इसकी शक्ति को बढ़ाया जाए बल्कि मिट्टी को लेकर यहां पर लोगों को जागरूक करते हुए भी नजर आए। तो मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर यहां पर हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज ने डॉक्टर अनिल से जानकारी ली। आज पूरे देश में विश्व मृदा दिवस मनाया जा रहा है और इसी को लेकर पूसा फार्म में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर AK सिंह मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, संदेश दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जो वर्ल्ड सॉइल डे है ना, जिसे हम लोग कहते हैं दुनिया का कह लीजिए मृदा दिवस जो है, इसका ऐसा है कि जैसे आप जानते हैं कृषि में ले लीजिए, शुरुआत हम मिट्टी से करते हैं, मृदा से करते हैं। सबसे पहले किसान जो है उसकी तैयारी करता है, उसके बाद ही जब ठीक ठाक तैयार हो जाए उसके बाद ही अपना फसल बोता है, करता है। तो इसमें यह है कि अच्छी पैदावार के लिए एक मिट्टी का स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। और हो क्या रहा है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं ना, जैसे हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ रही है, हमें खाद्य उत्पादन बढ़ाना है, हमें अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का उत्पादन बढ़ाना है, बाकी सब उत्पादन बढ़ाने हैं, लेकिन हमारे पास जो ज़मीन है, जो कृषि में इस्तेमाल होती, जिसे हम लोग कहते हैं ना नेट कल्टिवेटेड एरिया, वो पिछले 5 दशक से उतना ही है। ठीक है, अब हमको जो जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जो 1.7 बिलियन कहा जाता है कि 2050 में होगी, उसको इतनी ही मिट्टी से, इसी जमीन से पैदावार लानी है। सर, हमारे हरियाणा के चैनल है, हाँ, हरियाणा
ऐसा है कि देखिए जब शुरुआत की थी ना, जैसे हम हरित क्रांति कहते हैं, उस टाइम पे क्या था कि उससे पहले उसमें ज़्यादा पैदावार नहीं होती थी, समझते हैं आप, तो ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति थी, कह लीजिए पैदावार क्षमता थी, एक थी, एक एक स्तर था। फिर हम लोगों ने उसमें नई प्रजाति लाई, नई प्रजाति मतलब हमें पैदावार बढ़ाया। तो जब पैदावार बढ़ाते हैं ना तो उसमें इनपुट चाहिए होता है किसी भी चीज़ में, तो वो इनपुट हमने दिए। लेकिन जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि किसी भी पौधे के लिए 17 तत्व आवश्यक हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, NPK दे रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे, हालांकि सूक्ष्म तत्व हैं, थोड़ा बहुत कम मात्रा में लेता है पौधा, लेकिन वो धीरे धीरे ले रहा था। तो उससे क्या हुआ कि आपने NPK तो दिए, बाकी नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं उसका असर आना था, पहली चीज़ ये। दूसरा जो हम लोग कहते हैं कि एक बैलेंस फर्टिलाइजेशन है, जो बहुत ज़रूरी है। कि होता क्या है कि किसान को यूरिया सस्ता मिलता है तो वो ये सोचता है कि भाई मेरी पैदावार कम हो रही है और यूरिया डाल दो, लेकिन वो पैदावार क्यों कम हो रही है उसका कारण कुछ और होता है। इसीलिए जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड वाला स्कीम मिशन शुरू हुआ, उसमें ये पता चलता है कि किस और तत्व की कमी है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लोग बोलते हैं ना, जिंक है, जिंक अब देखिए धान में सभी डालते हैं, तो ये जो सूक्ष्म तत्व हैं इनकी ज़रूरत पड़ने लग गई है, तो वो डालेंगे, पहली चीज़। दूसरा क्या है कि हमारा क्योंकि ट्रॉपिकल है तो ऑर्गेनिक कार्बन क्योंकि हम लोग पैदा करते हैं ना, थोड़ा बढ़ता नहीं इतनी आसानी से, तो हम लोग शुरू से कहते हैं कि आप बैलेंस फर्टिलाइजेशन करिए, बैलेंस फर्टिलाइजेशन, और उसमें क्या कहते हैं कि 25% आप ऑर्गेनिक सोर्स से डालिए, कोई भी ऑर्गेनिक सोर्स। तो उससे क्या हुआ कि मृदा का स्वास्थ्य, जो हम लोग आजकल कहते हैं ऑर्गेनिक कार्बन का एक होना चाहिए, कम तो नहीं हो रहा, लेकिन बढ़ भी नहीं रहा, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है। तो अगर आप एक बैलेंस फर्टिलाइजेशन करें, जैसे सॉयल हेल्थ कार्ड के हिसाब से नाइट्रोजन फॉस्फेट डालें, 25% अगर आप ऑर्गेनिक सोर्स डालें जो भी आपके पास हो, तो आपकी उत्पादकता वापस हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर AK सिंह, जिन्होंने बताया है कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कैसे बढ़ाना है और इसमें क्या क्या चीज़ डालनी है खेती करते समय। कैमरा पर्सन जगदीश साथ, कंचन कुमार, हर खबर, हरियाणा, दिल्ली। तो साथ ही कई और अन्य डॉक्टर्स भी यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर क्या कुछ अपनी राय दी है और मिट्टी को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। मैं डॉक्टर AK सिंह हूँ, DDG एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, और आज हम लोग पूरे भारत में विश्व मृदा दिवस मना रहे हैं। 5 दिसंबर को हर वर्ष से मनाया जाता है, पिछले 6 सालों से मना रहे हैं, और इस वर्ष जो इस पे जोर है वो सॉयल सेलेनाइजेशन या जो लवणीकरण है मृदा का, या सफ़ेद परत जो मृदा पे आ जाती है उसके ऊपर आधारित है कि कैसे मृदा को स्वस्थ रखें, मृदा को उपजाऊ रखें और मृदा को सुरक्षित रखें, जो कि आगे वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको खाद्यान्न की आपूर्ति इस मृदा से हो पाए। आज के दिन 5 दिसंबर को पूरे देश में जितने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो 627 हैं, 100 से अधिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, 70 से अधिक जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, सभी मिल करके वर्ल्ड सॉयल डे मना रहे हैं। और ये मनाने की ज़रूरत इसलिए है कि हम सभी जानते हैं कि जितना भी उत्पादन हम कर रहे हैं उन सबका आधार मृदा ही है। मृदा में जीवाश्म भी होना चाहिए, जीव है तभी मृदा सजीव है, ये बात सबको मालूम है और हमारे वैज्ञानिक बार बार कहते हैं। दूसरी बात है, जो मिट्टी हर वर्ष लगभग 5 से 10% जो लवणीकरण हो रहा है या सफ़ेद परत जिस पे पड़ती है, अनुपजाऊ होती जाती है, बेकार होती जाती है, उसको कैसे पुनः खेती में लाया जाए और कैसे और ज़्यादा सेलेनाइजेशन ना हो, लवणीकरण मिट्टी का ना हो, उसके ऊपर जोर देने की ज़रूरत है, सबको जागरूक करने की ज़रूरत है, इसलिए भी आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज विश्व मृदा दिवस के अवसर पर हम अपने सभी किसान भाइयों को, देशवासियों को विश्व मृदा दिवस के आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और हम इस विषय में अपने देश के नागरिकों को, किसानों को ये बताना चाहते हैं कि मृदा पूरी दुनिया के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है, जो हमें जीवन तो माता देती है, लेकिन उसका नर्चरिंग, उसका पोषण मृदा करती है। इसलिए मृदा हमारी माता तुल्य कही जाती है।
जिस प्रकार से हम अपनी माता पिता की देखभाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी मृदा की देखभाल करें। मृदा एक सजीव है क्योंकि इसके अंदर अनेक प्रकार के लाभकारी जीवाणु निवास करते हैं जो हमारी खेती के लिए, हमारे वातावरण के लिए, हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। लेकिन पिछले विगत वर्षों में विश्व में जिस प्रकार से आबादी में वृद्धि हुई है, कृषि में विकास हुआ है, औद्योगिकरण के कारण मृदा के स्वास्थ्य को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया, जिसके कारण मृदा में उपलब्ध जीव, सूक्ष्म जीवी विशेष करके, उनकी संख्या में प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है। क्योंकि हमारी वैश्विक आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हमारी खाद्यान्न की मांग भी बढ़ रही है, इसकी आपूर्ति के लिए मृदा का स्वस्थ रहना, उसका सतत उतना ही अधिक उत्पादन देकर के दुनिया के सभी जीव जंतुओं, पशुओं, पक्षियों और मनुष्य को पोषित करना है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी मृदा के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान अवश्य दें। मृदा के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने के लिए ही विश्व स्तर में, पूरी दुनिया में 5 दिसंबर के दिन विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, ताकि हम इसके उपयोग करने वालों को इसकी महत्ता के बारे में जागरूक कर सकें, ताकि मृदा हमारा सतत वृद्धि और विकास का माध्यम बना रहे। हम उसमें अनुचित रूप से निम्न गुणवत्ता के जल का इस्तेमाल ना करें, पानी के प्रदूषित पानी को स्वस्थ मृदा में इस्तेमाल ना करें। हम वांछित मात्रा में ही रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, फफूंदनाशी आदि का इस्तेमाल करें, या हमारे जो औद्योगिक वेस्ट हैं या मेडिकल वेस्ट हैं, उनका डिस्पोजल इस प्रकार से हो कि हमारी जो मृदा है उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और उससे हमें निरंतर अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद मिलता रहे। हमारे संस्थान की तरफ से ये प्रयास रहता है कि हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को और खेती से जुड़े सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास रहता है, प्रयत्न रहता है कि मृदा के स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दिया जाए। चाहे इस दिशा में फसलों के अवशेष जला करके उसमें होने वाले कार्बनिक तत्व के नुकसान की बात हो या सूक्ष्म जीवों के नुकसान की बात हो, इस दिशा में संस्थान के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण अनुसंधान करके एक जीवाणुओं का कंसोर्शिया तैयार किया गया है, जो बहुत ही कम समय में इस्तेमाल करने के बाद फसलों के अवशेषों को, विशेषकर धान और अन्य फसलों के अवशेषों को, जमीन में सड़ने गला करके और उसमें कार्बनिक तत्व की वृद्धि में योगदान देता है। इसी प्रकार से फसलों में निरंतर बेहतर उत्पादन के लिए बीजों का, सीडलिंग का, नवोद्भिदों का उपचार सूक्ष्म जीवियों के माध्यम से करते हैं। राइजोबियम कल्चर इसकी एक अनूठी मिसाल है। फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए सूक्ष्म जीवियों के बहुत सारे कल्चरों का विकास किया गया है, जिसमें राइजोबियम कल्चर सभी को एक जानी पहचानी कल्चर है। इसके अतिरिक्त वैम, एजिटोबैक्टर और फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया आदि के कल्चरों का विकास किया गया है। और जो राइजोबियम के टीके हैं, जो बीज में दलहनी फसलों में लगा करके हम वातावरण की फ्री नत्रजन का स्थायीकरण कर सकते हैं, इससे मृदा के स्वास्थ्य में होने वाली कमी को हम रोक सकते हैं। इस दिशा में अभी हाल ही में डीपी गोयल जी के सहयोग से हमारी ग्राम विकास समिति मंडोरा ने किसान जागरूकता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हमारे संस्थान के वैज्ञानिक और मैं स्वयं जाकर के किसानों के बीच विश्व मृदा दिवस के अवसर होने वाले आयोजित कार्यक्रमों को और उसकी आवश्यकता को किसानों को समझाने का प्रयास किया गया। और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे किसानों के लिए, हमारी मृदा के लिए और हम सब के विकास के लिए आने वाले समय में और बेहतर और अच्छे मार्गदर्शक के रूप में सार्थक रूप से सिद्ध होंगे। अच्छी अच्छी चीजें हमें समझ में आई और हमें पता लगा कि हमें क्या करना चाहिए। मैं आप लोगों से एक छोटा सा एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगा। एक किसान की दुनिया क्या है,
उसकी दुनिया है उसका खेत और उसका घर। इसके अलावा उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो किसी बैंक में जाके लोन अप्लाई कर सके या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर के उन फैसिलिटीज का जो सरकार ने हम लोगों के लिए बनाई हैं उनका वो फायदा उठा सके। इसको हम गैप को कैसे पूरा करें, जिसको चीज़ की ज़रूरत है वो अवेलेबल है, जो चीज़ देना चाहता है वो अवेलेबल है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो गैप है वो इतना वाइड गैप है कि उसको पूरा करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। पिछले दिनों ने अपने अपने गांव मंडौरा में एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा। हमने IARI सोयल डिपार्टमेंट, डॉक्टर पांडे, डॉक्टर तोमर, बाकी जितने भी आपके कोलीग्स हैं, डॉक्टर दत्ता हैं, डॉक्टर चौबे हैं, बाकी सब लोग 12 साइंटिस्ट वहाँ पे आए, सब लोगों ने अपने विचार साझा किए। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारे लोग आए, उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटी किसानों को दे सकती है। बैंक से मैडम आई, मैडम ने बताया कि कितनी फैसिलिटीज हम किसानों को दे सकते हैं, पर क्या किसान वो फैसिलिटी अवेल कर पा रहे हैं। अब ज़रूरत है कि हम उन दोनों गैप को पूरा करें। ये तभी संभव है जब हम लोग किसानों के बीच में जा कर के उनको ये बातें समझाएं, सरकारी कर्मचारी जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं वो किसानों के द्वार जाएं, जो हमारे सॉयल डिपार्टमेंट है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है बैंक वाले हैं वो उनके बीच पहुँचें और उनके साथ अपने विचार साझा करके उनको अपनी चीज़ें बता करके उन फैसिलिटीज़ को उन तक हम पहुँचाएँ। किसान के पास अगर सॉयल टेस्ट करने के लिए उसको मंडौरा से सोनीपत जाना पड़ता है, एक बार वो जाता है सैंपल देने के लिए, दोबारा जाता है सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए, कभी अफसर अवेलेबल नहीं है, कभी कोई अवेलेबल नहीं है, अगर दो या तीन चक्कर लग गए तो उसका सारा जो इंटरेस्ट वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी सॉयल डिपार्टमेंट ने हमको बताया कि 80,000 रुपये की एक मशीन आती है जो गांव में अगर लगा दी जाए तो उसका रेगुलर खर्चा सॉयल टेस्टिंग का बहुत कम होता है। और सर मैं आपको वायदा करता हूँ कि ये मशीन हम अपने गाँव में लगाएंगे और हो सकता है आसपास के 8-10 गाँव में वो लोग उस मशीन का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि पैदल जा करके अगर मुझे सॉयल का सैंपल देना है तो उसकी मैं टेस्टिंग करा लूँगा। 14 टेस्ट आपने बताया कि उसके हो सकते हैं, बहुत कम कॉस्ट पे हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि हर टेस्ट का वो 400 रुपया देते भी हैं, तो इट इज़ ए जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद इन द विलेज। एक मशीन हमने वहाँ इंस्टॉल कर दी, उस मशीन से जो टेस्ट कर रहे हैं दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है हरियाणा का, हर टेस्ट के वो पैसे उसके देता है। तो किसानों की उससे जो आदमी उस मशीन को ऑपरेट करेगा उसकी तनख्वाह भी निकलेगी और उसको इनकम भी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया और अब हमारे साथ अपने विचार आपने साझा किए। तो सोनीपत जिले के गांव मंडोरा में विश्व मृदा के दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसमें उत्तम खेती अच्छा लाभ लेने के मकसद से किसानों को सलाह दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सोनीपत उपायुक्त शिरकत करने पहुंचे और कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्टॉल लगाकर धान की फसल नहीं लगाकर अन्य फसलें लगाने के प्रति किसानों को प्रेरित किया। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने और सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएं, मेरा पानी मेरी विरासत और कृषि विभाग से संबंधित अन्य कई तरह महत्वपूर्ण जानकारियों से सम्मानित किसानों को जागरूक करने के मकसद को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सोनीपत उपायुक्त ललित सिवाच ने शिरकत की और ग्रामीण किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि धरती की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए देसी खाद जरूर डालनी चाहिए। तो विश्व मृदा दिवस पर कई कार्यक्रम लगातार एक सप्ताह पहले से ही यहां पर शुरू कर दिए गए। बीते 27 नवंबर को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले से ही विश्व मृदा दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई थीं, तमाम कार्यक्रमों का भी आगाज हो गया था। और ऐसी ऐसी बीमारियां IAR की जो टीम आई है IARI की, इन्होंने बनाया पूरा डिकम्पोजर। अगर उसको जमीन में मिलाओगे तो ऑर्गेनिक खाद बन जाएगी और उसको बंडल बना के बाहर भेजोगे तो आपको पैसा भी मिलेगा और काम आएगी, उसकी बहुत चीजें होंगी। तो इस तरीके से कोई भी जो स्कीमें सरकार की हैं उसका फायदा उठाना चाहिए। और इतने बड़े बड़े साइंसदान आपके पास आए हैं, जिसका कोई पर्सन है कोई बात पूछनी हो पूछनी चाहिए, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। और जिला प्रशासन की तरफ से आपको किसी भी चीज की जरूरत है
तो डीसी का ऑफिस आपके लिए खुला है, फिर सारे अधिकारी कर्मचारी आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे जब भी कोई जरूरत होगी। कहीं बैंक से लोन का है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से और कोई सहूलियत है, कृषि विभाग की कोई भी काम हो, आप मुझे फोन करेंगे, आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो इसका पूरा उठाया जाए फायदा, और यहाँ भी उपलब्ध है, जिला के ऑफिसर आए हुए हैं, यहाँ भी कोई बात पूछनी है पूछ सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत आती है। मृदा दिवस है आज और बेहद खास दिन आज का। विश्व मृदा दिवस पर एक सप्ताह पहले से ही तमाम यहां पर कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी गई थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर मिट्टी संरक्षण के प्रति लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सोनीपत में भी कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। सोनीपत जिले के गांव मंडोरा में विश्व मृदा का यहां पर कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें उत्तम खेती अच्छा लाभ लेने के मकसद से किसानों को सलाह दी गई। साथ ही साथ किसानों को किस तरह से मिट्टी से फायदा हो सकता है इसके बारे में भी जानकारी दी गई। हालांकि आपको बताते चले कि यहां पर मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की जो कमी आ जाती है, इसको लेकर भी यहां पर तमाम जो बड़े अधिकारी मौजूद थे उन्होंने जानकारी दी। मिट्टी संरक्षण के प्रति यहां पर लोगों को जागरूक किया। लगातार यहां पर मृदा दिवस को लेकर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। यहां साथ ही साथ अधिकारियों ने स्टॉल लगाकर धान की फसल नहीं लगाकर अन्य फसलें लगाने के प्रति किसानों को प्रेरित किया। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने और सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजना यानी कि मेरा पानी मेरी विरासत और कृषि विभाग से संबंधित अन्य कई तरह के महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित किसानों को जागरूक करने के मकसद से यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच भी पहुंचे। चलिए इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।